बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पक्की बाग में रविवार को 2 से 5 वर्ष के शिशुओं के लिए सरस्वती पूजन एवं विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया। विद्यारंभ संस्कार में स्थानीय माता पिता अपने अपने शिशुओं के साथ विद्यालय में आए। सरस्वती पूजन के बाद शिशुओं का विद्यारंभ संस्कार और हवन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष सीपी द्विवेदी, मंत्री बलराम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री शिरीष गोयल, प्रधानाचार्य रमेश राय, अध्यापक शंभूषण कुशवाहा सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिका, शिशुओं के साथ माता पिता और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश राय और अध्यक्ष सीपी द्विवेदी ने कहा, लड्डू देते हुए और प्रत्येक गार्जियन जो है उनका पेंसिल पकड़ के आज बसंत पंचमी का दिन है। आज माता सरस्वती का पूजन किया जाता है और इसी शुभ अवसर पर जो है आज विद्यालय प्रांगण में माता सरस्वती का विधि विधान से पूजन अर्चन और यज्ञ हवन किया गया है, ताकि जो है और विद्यारंभ का कार्यक्रम भी आज यहीं प्रारंभ कराया गया है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है यहाँ अपने गार्जियंस के साथ में आकर के विद्यारंभ के कार्यक्रम में भाग लिए हैं और अपने हाथों से वो लिखावट शुरू किए हैं। उनके ऊपर जो है पुष्पार्चन भी किया गया है और उन्हें आशीर्वाद दिया गया। ये जो है बहुत दिनों से चली आ रही है, इसको हम जो है निश्चित तिथि नहीं बता सकते हैं। जब से विद्यालय का प्रारंभ हुआ है तब से ये परंपरा जो है नियमित रूप से चली आ रही है और वर्तमान में और विशेष रूप से जो है चल रही है। जो बच्चे विद्यारंभ किए हैं वो जैसे उनके कोई प्रतिबंधित नहीं है कि यहाँ पे शिक्षा लेना कहीं से भी आ सकते? नहीं नहीं, ये बच्चों के लिए कोई प्रतिबंधित तो नहीं किया गया है, लेकिन ये जो छोटे बच्चे ऐसे हैं फर्स्ट स्टोन जिसको कहते हैं हम, जो है इसे विद्यालय की प्रथम सीढ़ी जिसको कहेंगे, प्रथम सीढ़ी के बच्चों को ही जो है विद्यारंभ करवाया गया है उनको लेकर के, और उसके बाद से सेकंड जो है और थर्ड सीढ़ी के बच्चों को जो है विद्यारंभ का कार्यक्रम जो है शुरू कराया गया है। बसंत पंथी पर सबसे पहले मैं माँ सरस्वती का पूजन करता हूँ और उस पूजन में हमारे विद्यालय के प्रत्येक बच्चे भाग लेते हैं। जी, विद्यारंभ संस्कार का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो कहीं पढ़ने नहीं जाते, जो पेन पेंसिल का प्रयोग नहीं करते हैं, उनका हम विद्यारंभ संस्कार करते हैं। यह कार्यक्रम पूरे गोरखपुर के किसी भी अभिभावक के लिए आहूत होता है। ये जरूरी नहीं कि वह बच्चा मेरे विद्यालय में पढ़ता ही हो, वो बाहर का भी हो सकता है। और इस संस्कार के बाद ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक रीति में हमारी जो 16 संस्कार हमारे होते हैं उसमें से विद्यारंभ संस्कार बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है।